आपने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक रेस्टोरेंट का 37 साल पुराना खाने पीने का बिल देखा होगा। साल 1985 के इस बिल में शाही पनीर, दाल मखनी, रायता और रोटी के लिए महज 8 रुपए का भुगतान किया गया था। आज हम आपको सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 83 साल पुराने एक बिजली के बिल को दिखाते हैं। इस बिल को देखकर हर कोई हैरान है। साल 1940 के इस बिजली के बिल में महीने भर की खपत के बदले सिर्फ 5 रुपए का ही बिल आया है। जी हाँ, महीने भर बिजली इस्तेमाल की गई और बिल अदायगी महज 5 रुपए। लोग कह रहे हैं जितने रुपए का ये बिल है आज तो एक यूनिट बिजली भी उससे महंगी है। ये बिल मुंबई के एक घर का है। मुंबई हेरिटेज नाम के एक शख्स ने ट्विटर हैंडल से इसे शेयर किया है। बिल में केवल 3 रुपए 10 पैसे की बिजली खर्च की गई है। इस बिल में सभी टैक्स लगाकर कुल जमा करने का अमाउंट सिर्फ 5 रुपए 2 पैसे है। उस जमाने में बिजली विभाग में कर्मचारी हाथ से लिखकर बिल बनाते थे। इस बिल के अनुसार महीने भर में घर में कुल 29 यूनिट बिजली इस्तेमाल की गई थी। 29 यूनिट बिजली के लिए कुल 3 रुपए 19 पैसे का ही बिल आया। बिल पर एक यूनिट का चार्ज 2 पैसे लिखा गया है, लेकिन कुछ और चार्ज मिलाकर ग्राहक को 5 रुपए के करीब पेमेंट करनी है। अगर आज के बिल की बात करें तो ब्रह्म मुंबई बिजली इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए करीब 5.5 रुपए पर यूनिट लेती है। इसके साथ ही 200 रुपए फिक्स एनर्जी चार्ज के तौर पर भी वसूला जाता है। यही हाल देश के अन्य राज्यों का भी है। कुछ लोग इस बिल को देखकर सोशल मीडिया में पुराने जमाने को याद कर रहे हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वाकई उस दौर में हिंदुस्तान में महंगाई कितनी कम थी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी समूह।